ऑल कंट्रीज को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, नॉर्थ कराची सेक्टर 4, अजमेर नगरी से थोड़ा सा आगे, तो आज मैं दोबारा इनकी छत पर आया हूँ। इनसे अभी आपको मिलवाता हूँ। इनके 200 कबूतरों का शौक हो रहा है। 215 इनके हैं, 230 सामने वाले के हैं, अल मदीना वालों के होटल नज़ीर भाई से शौक हो रहा है इनका। तो मैं आपको दिशान भाई से मिलवाता हूँ। अभी दिशान भाई बताएंगे कि आज का शौक कैसा रहा। ये दिशान भाई हैं, दिशान भाई अपनी मुँह ज़बानी बताएँगे। दिशान भाई, उमर भाई का कबूतर कैसा चला? आप मुंसिफी वहाँ कर रहे हैं नज़ीर भाई की छत पर, तो आप बताएँ। हाँ, उमर भाई का कबूतर तो आज था, अच्छा था, नहीं अच्छा चला है, हर हवा आया कर तक, लेकिन उनका पीछे की तरफ पलटता था कबूतर, उनका आज भी नहीं काम किया कबूतर, ना उनका आज मुँह भी नहीं रखा, एक भी हवा नहीं रखा कबूतर। दो तीन हवा उमर भाई के छत तक भी आए, लेकिन उनका कबूतर काम नहीं किया, आज भी काम नहीं किया, आज भी कुश्ती नहीं बनी। अच्छा दिशान भाई, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। देखें, मुझे दूसरा दिन है आज यहाँ आते हुए, तो मुझे कोई फ़ायदा तो नज़र आ नहीं रहा है यहाँ पर कि किसी का कबूतर शौक हो रहा है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कल भी कबूतर नहीं लड़ा ना, आज तो खैर कोनम कहानी हुई है, अगर कल भी कबूतर नहीं लड़ा या परसों नहीं लड़ा, तो माजरत के साथ मैं आपकी यहाँ आके वीडियो बना नहीं सकता उमर भाई, माजरत। हमारा भी यही ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला कल लड़ गया तो ठीक है, कल और परसों देखेंगे, नहीं तो हम कबूतर रोक देंगे, क्योंकि कबूतर उनका काम नहीं कर रहा ना, आगे चल रहा है, लड़ नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा चौक पे, तो हम कल और परसों दो दिन और देखेंगे, फिर हम रोक देंगे। क्योंकि मेरे पास और भी वीडियोस हैं दिशान भाई, क्योंकि आप अपने हैं तो मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, मेरा भी टाइम ज़ाया हो रहा है, देखते हैं तो हम रोक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ये उमर भाई हैं, ये इनकी छत है और इनके काफ़ी कबूतर बन भी पड़े हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उमर भाई, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े उस्ताद हैं, शौक होगा। उन्होंने कल बोला था कि आज का भी उन्होंने बोला नहीं हुआ हमारे कबूतर सेट, इंशाल्लाह कल होंगे, आप कल देखते हैं इंशाल्लाह हो जाते हैं, नहीं तो दो दिन और देखते हैं। दो दिन हो गए, 5 दिन बकाया है पीछे, देखते हैं दो दिन और देखते, नहीं तो फिर खत्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, उमर भाई का कबूतर कैसा चला ये बताएं आप? भाई कबूतर हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छा चल रहा है, बस बात ये है कि वहाँ से शौक नहीं हो पा रहा, वो लोग भी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम लोग तो यहाँ से माशाल्लाह सारे ये तला भाई उमर भाई माशाल्लाह अच्छे कबूतर उन्होंने तैयार करे हैं अपने, कोशिश तला भाई ने बहुत मेहनत करी है और उनकी भी कोशिश हो तो रही है, लेकिन वो कबूतर उनका आ नहीं रहा आगे। बहरहाल वो भी कोशिश कर रहे हैं, देखें अगर कल हो जाए तो ये कि तीसरा दिन हो जाएगा, कल आज दो दिन तो हो गए, अब दो दिन में तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, और माशाल्लाह इतने लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन बस वही वाली बात है, वो भी बेचारे देख ही रहे। अच्छा आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ सबसे, कि ये जितने हैं यहाँ जो कबूतरबाजी हो रही है उमर भाई की छत के ऊपर, ये सब अताई हैं, ना इनका कोई उस्ताद है ना इनका कोई शागिर्द है। अच्छा इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो सामने वाली छत से लड़ रहे हैं कबूतर, वो किसी के उस्ताद हैं या खलीफा हैं या कौन है, वो आप बताएँगे उमर भाई? वो भी सारे अताई हैं ये, लेकिन अच्छे शौक करने वाले हैं, हम उन्हें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आज क्या हो गया, उड़ाते हैं अच्छे कबूतर, उड़ाते हुए अच्छे उड़ाते भी हैं, लेकिन सारे आता ही हैं, लालू खेत वाले आनो उस्ताद जिनकी छत पे आते हैं, उन्हीं का तकरीबन दारो मदार है सारा छत के ऊपर, आनो उस्ताद का, बाकी आसिफ भाई हैं वो भी अच्छे शौकीन हैं, नज़ीर भाई हैं, मानी भाई हैं, और सब अलमदीना होटल के ऊपर से उड़ाते हैं लोग। जी जी, ये सब शौक करते हैं और सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, बस बेड लगे उनका नहीं चल रहा उनका। अच्छा आप ये बताएं कि पूरा अपनी मुँह ज़बानी बताएं कि कौन सा सेक्टर लगता है, क्या है क्या नहीं है? भाई ये नॉर्थ कराची है, अजमेर नगरी थाना है, सेक्टर 4 इलाका है, और W9 का मेन स्टाफ है, W9 से करीब है, W9 का मेन स्टाफ है। आपको दिखा सकता हूँ, काफ़ी शौकीन हजरात छत पे आए हैं अभी माशाल्लाह। ये देखें सारे शौकीन हजरात आए हैं, सारे कबूतरबाज हैं ये। आप लोग लाइक करके बताएंगे कि आज की कबूतरबाजी आप लोगों को कैसी लगी।
सामने की छत की दिखाता हूँ कबूतर। सामने खुल गए और यहाँ पर भी खुल गए। ये सामने छत है, काफी फासला है। ये देखें, ये मदीना कबूतर है, पहले हाथ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, सीधा छत पे चला गया। माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। पाली मार दिए, कबूतर मैं दिखा नहीं सकता आपको, इसलिए या तो कबूतर उनका लेट जाता है या बहुत आसमान पे चढ़ जाता है।
कोशिश है कि कुश्ती हो जाए। सामने वाली पार्टी फेंक रही है, सामने वाले के टुकड़े टुकड़े हो गए कबूतर हो गए। और माशाल्लाह इनका कबूतर देखें आप, भरपूर जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है इनका कबूतर। ये सुबह वाली टोली जो अलग हो गई है और शाम वाली टोली अलग हो गई थी, दौड़ते हुए नजर आ रहे थे ना। सामने वाले के दिखाता हूँ मैं आपको, शायद दिख जाए, धूप की वजह से नज़र नहीं आ रहे, और कुछ फायदा नहीं है, दोनों ने धूप मान ली। सारे शौकीन हजरात आए हैं, ये देखें आप लोग, दूसरी हवा उड़ रहे हैं कबूतर। तो सामने वाले दिखा सकता हूँ मैं आपको, सामने वाले के भी कबूतर उड़ते हैं। इनका माशाल्लाह कबूतर अच्छा चल रहा है।
आगे बढ़ गई ना।